हरिओम सभी को, वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, हमने आलू लिया है, उबले हुए आलू हैं और इसे हम सबसे पहले फोड़ लेंगे। आलू को हमने फोड़ लिया है, ये देखिए। और अब हम आलू में डालेंगे बेसन। ये हमने अदरक लिया है, जीरा लिया है, हरी मिर्च लिए हैं, हरी धनिया लिए हैं, इसे डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। और अब हम हींग डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। अगर आप प्याज लहसुन पसंद करते हैं तो आप इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। हमने इसे मिला दिया है, अच्छी तरीके से मिला दिया है। ये हमने सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल को हाथ में लगा लेंगे और इसमें से निकालेंगे और इसकी लोई निकाल के ऐसे बना लेंगे, लड्डू की तरह बना लेंगे, लड्डू की तरह, बॉल की तरह। ये हम बना रहे हैं आलू करी कोफ्ता। चाहे आलू कोफ्ता करी कहिए, चाहे आलू करी कोफ्ता, ये देखिए बना रहे। ऐसे ही सभी को बना लेंगे। ये देखिए, बाल के हमने बना लिया है। ऐसे ही सभी को बना लेना है। और ये हमने रखा है कढ़ाई में तेल, तेल गरम हो गया है और हमने गैस की फ्लेम धीमा कर दिया है। और अब हम बाल को इसी में डाल देंगे, फ्राई करेंगे। बाल को हमने डाल दिया है और अब हम इसे पलट देंगे। ऐसे ही सभी को पलट देंगे। ये देखिए, सभी बाल अच्छी तरीके से बन गए हैं और इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए बाल भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे भी निकाल लेंगे। कढ़ाई का तेल हमने निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा था। और अब हम इसमें देखिए हरी मिर्च, अदरक, जीरा और मेथी डाल रहे हैं, चला देंगे। ये हमने करी पत्ता लिया है, इसे भी डाल देंगे, चला देंगे। ये हमने लिया है एक चम्मच बेसन, एक चम्मच बेसन डाल देंगे। ये बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम प्याज नहीं डालेंगे तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम बेसन डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से मिला के भून लेंगे। देखिए झाग निकल आया, इससे पता चल रहा है कि बेसन हमारा भून गया है। ये अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को पीस के डाल देंगे। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर को हमने पीस लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे चला देंगे। और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये हींग है। अब हम हींग डाल देंगे। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप हींग न डालें। सभी को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे मसाले को। अगर आपको प्याज लहसुन पसंद है तो आप इसमें प्याज लहसुन डाल सकते हैं। मसाला हम भूनेंगे तब तक जब तक तेल से मसाला अलग ना हो जाए।
अभी अलग नहीं हुआ है इसलिए मसाला हमारा भून नहीं गया है और हम इसे धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। और अगर आप प्याज लहसुन डाल रहे हैं तो बेसन न डालें क्योंकि ये हमने ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए डाला है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी को हमने डाल दिया है और अब हम इसे मिला देंगे। गैस की आंच को तेज़ कर देंगे और पानी को पका लेंगे। जो ये ग्रेवी है इसे हम पका लेंगे 5 मिनट। इसे हम ढक देंगे। ये देखिए रस खौलने लगा है, उबाल आ गया है और अब हम ग्रेवी में नमक डाल देंगे, चला देंगे। ये हमने 2 बॉल लिए हैं, इसे ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे इसमें और अब हम इसे चला देंगे। ये देखिए ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। ये हमने बॉल को तोड़ के इसीलिए डाला था कि अच्छा ग्रेवी बन जाए। अब हम बॉल को डाल देंगे। मिला देंगे और 2-3 मिनट इसे पका लेंगे। 4 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है, करी कोफ्ता। देखिए कितना अच्छा बना है। और अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए आलू कोफ्ता करी को हमने निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी धनिया। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। हरिओम सभी को, हरिओम।